और काट दिया भाई, काट दिया। ये दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं मुकुगर वाटर पार्क में, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे है, और आज मैं आपको पूरी टिकट, टाइमिंग, पार्किंग, जो भी सब कुछ है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो भी हमारी नई ऑडियंस है वो हमें सब्सक्राइब कर लेना। NCR में जितनी भी जो भी घूमने फिरने की जगह है ना, वो सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ के टिकट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो एडल्ट्स की टिकट है वो 1400 रुपये की है, किड्स की टिकट है वो 900 रुपीज़ की है, और जो सीनियर सिटीजन की टिकट है वो 1100 रुपये की है। और 3 फीट से कम हाइट वाले बच्चों की टिकट इस वाटर पार्क में बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, अब हम पार्क की टाइमिंग की बात करते हैं। ये पार्क हफ्ते के 7 दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है, और लास्ट एंट्री यहाँ पे 5 बजे की है। दोस्तों, अगर आप टिकट में बफेट लंच इंक्लूड कराना चाहते हैं तो उसकी टिकट आपको 1750 रुपये की पड़ेगी। दोस्तों, इस वाटर पार्क में 2 तरीके के लोकर है, छोटे लोकर और बड़े लोकर। छोटे लोकर का रेंट है यहाँ पे 150 रुपीज़, और बड़े लोकर का रेंट है यहाँ पे 200 रुपीज़। दोस्तों, इस वाटर पार्क में कॉस्ट्यूम अवेलेबल नहीं है रेंट पर, आपको अपने घर से लेके आनी पड़ेगी या फिर आपको परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप घर से लेके आओ तो आप लाइक्रा या फिर नायलॉन में लेके आना, और यहाँ पे ये सब रेट है, आपको इतने रुपये में कॉस्ट्यूम आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वाटर पार्क में पार्किंग बिल्कुल फ्री है, वाटर पार्क के साथ ही पार्किंग है, और यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हुड्डा सिटी सेंटर है। दोस्तों, जैसे हम अंदर एंटर होते हैं ना, सबसे पहले हमें ना लेजी रिवर देखने को मिलती है। ये देखिए लेजी रिवर, देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये लेजी रिवर है। दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, बच्चों की लग रही है मेरे को, मेरे ख्याल से ये बच्चों की है। और ये दोस्तों लेफ्ट साइड में हमारे फैमिली की है, फैमिली यहाँ पे मतलब छोटे बच्चों के लिए, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे, ये पूरा बच्चों का है। दोस्तों, ये एरिया ना स्प्लैश एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े होंगे इसके नीचे। दोस्तों, ये जो राइड है ना, ये वहाँ पे ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर ये ऊपर से सीधी यहाँ से आएगी, और ये पूरी घूम के यहाँ से यहाँ आएगी। और इस राइड का नाम है OMG, ओ माई गुड़गांव, जैसे ही बोलते हैं ना ओ माई गॉड, इसका नाम है ओ माई गुड़गांव। ये देखिए, इतनी ऊंचाई से सीधी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, जैसे विदेशों में होता है उसमें खड़े हो जाएंगे, और सीधे एकदम से इतनी स्पीड से आएंगे वहाँ पे, ऊपर से घूम के फिर यहाँ से हम सीधा यहाँ पर पानी में। ये देखिए, ये राइड सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन ये अभी बंद है। दोस्तों, ये जो राइड है ना, ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी राइड है, और ये 92 फीट की इसकी हाइट है, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। देखो, ये कम से कम होगा 6 मंजिल या 6 मंजिल होगी। मज़ा आया, ओ भाई दादा, पूरा मज़ा है, बढ़िया भाई, भाई वो मज़ा आया, मज़े आने चाहिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दो बार कर चुका हूँ मैं, दो बार। हाँ, पहले बार में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, उस बार में पूरा फिट हुई नहीं गया। ओ, वहीं तक ही रुक गया। भैया, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डर नहीं लगा? थोड़ा सा डर लगता है बीच में, एक बार हवा में। हाँ, थोड़ा सा फ्लोट होता है ना, थोड़ा सा फ्लोट होता है। हम तो ले नहीं रहे। लो लो यार, एक बार लो। हर कोई यही कह रहा है, ओ बेटे, ओ शिट, ओ शिट, 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 शिट। ये मल्टी रेसिंग स्लाइड है, और इसको करने के लिए ना हमें मैट लेने पड़ेंगे। ये देखो दोस्तों, ये मैट लेके जाने पड़ेंगे ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्लाइड हो रहे हैं, ये ब्लू कलर की और येलो कलर की है, तो इस वाली स्लाइड का नाम है रेपिटेशन मैट स्लाइड।
और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनकी, पोस्टर ऐसा होना चाहिए, स्टार्ट जब वो स्टार्ट बोलेंगे वेट कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अभी मैं भगता हुआ जा रहा हूँ और ये वाली राइड दोबारा से लेनी है एक बार, अभी तेजी में चल रहा हूँ। दोस्तों अब हम ये वाली राइड लेंगे, पहले ब्लू वाली लेंगे फिर ये येलो वाली लेंगे, अभी हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना साफ की साथ सफाई भी होती रहती है, ये चीज़ भी सही लगी यहाँ की, देखो सफाई चल रही है अभी। दोस्तों ये जो येलो वाली राइड है इसका नाम है कर्जर एंड टोपेडो और इसकी इंस्ट्रक्शन यही है, ऐसे हमें जाना है और ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, क्या करना है हमें क्या नहीं करना। तो अब हम चलेंगे इस वाली राइड में, चले है देखो दोस्तों ये मैं गया, ये आया मजा। दोस्तों इस वाली राइड का नाम है टर्पेडो, जो से पहले करी थी वो था क्यूरी सर, अब इस पर चलते हैं। दोस्तों ये आया इसमें मजा। दोस्तों यहाँ पे ना ये तीन राइड हैं, ठीक है, और अभी हम इन तीनों राइड को भी लेंगे, इनके नाम वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर मिल जाएगी। अभी हम वो ट्यूब लेंगे, पहले तो अभी हमने ट्यूब ले लिया, चलते हैं। चले दोस्तों हमने ट्यूब ले लिया, देखो देखो कैसे आ रही है, देखो ये फंस गए हैं, देखो ये, देखो ये अभी सीधा गए 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 गए, ओ वाओ। दोस्तों ये वाली राइड जो ओपन है वो थोड़ी टनल में है ट्यूब के साथ, और ये वाली है जो ये बिल्कुल इसमें अकेले आएंगे, बिल्कुल अकेले लेट के आएंगे। ये तीन राइड हैं यहाँ पे, ये आ गए दोस्तों। दोस्तों हम लेंगे ये वाली, ये देखिए ट्यूब वाली, ये देखिए दोस्तों ये है विल विंड, ठीक है, ये ट्यूब राइड थी और इसमें ऐसे बैठते हम, और ये अभी ना बंद करके फिलहाल, ये 120 kg हमारी ट्यूब वहाँ पर रखी है, कोई नहीं। हाँ तो ये जो राइड है ना ये देखो ये ऐसे जाएगी नीचे, ये पूरी राइड है और ये पूरी राइड है। ये कह रहे कि अभी राइड बंद है, ये वाली राइड थी यहाँ से स्टार्ट हो गए, 8 वाली ट्यूब की थी, ये नीचे जाएगी ऐसे, और ये बता रहे कि बंद है। दोस्तों टाइफून टनल है और इसमें ये बॉडी स्लाइड है, इसमें ऐसे लेट के जाते हैं जैसे इसमें पहले वाली वीडियो में दिखाया था, इसमें 40 से 100 kg वेट वाला जा सकता है और 4 फुट की हाइट है, और इसमें तो इंट्रोडक्शन दे रखी है कि मतलब बंदे का वेट करे, और ये टनल राइड है और ये कि अभी बंद है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी घूम फिर के वहाँ से नीचे जाएगी, और ये वाली दोनों बंद कर रखी है, अभी हम जाएंगे उस वाली राइड में। दोस्तों जो राइड है थंडरस्टॉर्म नाम है इसका, और ये अभी ट्यूब राइड है, ये सब आपने देख लिया था पिछली वाली, उसमें इसमें भी 4 फुट है, 120 kg वेट है, और ये राइड ये पूरी घूम के टनल में से ही अंदर अंदर से होके वहाँ जाएगी, और इसमें ना एक बार देख के बता दिया एंगल, ठीक है एंगल मतलब सही बन रही है ना वीडियो, सही है, चलो 1 2 3 गो। Yeah!
दोस्तों हम जाएंगे लेजी रिवर में और अभी हमें सिंगल ट्यूब तो मिली, डबल डबल वाली से काम चलाना पड़ रहा है। हेल्प करेंगे, हेल्प करो भाई, फंसा दिया। और देखो ये क्या होता है, ये देखो सांप के मुंह में भाई, अल्लाह कोंडा पे निकालो इन्हें यार। हम इसके आदमी हम सांप के मुंह में बैठ जाते हैं यार, तो सोचो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये परेड स्टेशन है और अब हम ये जितनी भी राइड हैं सारी राइडें लेंगे और अभी हम बाल्टी भरने वाली है, वैसे भी अभी हाँ पलट रही है। अरे काट दिया भाई, काट दिया गर्दन, काट दी भाई गर्दन। ये दोस्तों अभी बाल्टी भरने वाली है, बिल्कुल अभी हमारे ऊपर आएगी, ये अभी गिरने वाली है, बस हल्की फुल्की हिलने लग रही है धीरे धीरे। ये अभी ये चक्कू लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि आराम से ये भरने वाली है, भरने वाली है। टेढ़ी हो गई दोस्तों, ये टेढ़ी हो गई। इसमें चले, अब हम चलेंगे इस वाले में। ये हम भी छोटे बच्चों की तरह यहाँ बैठ गए। ये अब हम लेंगे ऊपर वाली राइड है, जैसे कि हरी वाली है, ग्रीन वाली का रास्ता यहाँ से देखे दोस्तों। यहाँ पे पानी का प्रेशर भी काफी ज्यादा है, ये अटक गए यार। मछली बन के जाना पड़ेगा इसमें तो। प्रेशर ऊपर काफी ज्यादा था लेकिन नीचे दोस्तों अब हम लेंगे ऊपर वाली राइड, जो सबसे बड़ी राइड है यहाँ पे, मतलब इस एरिया में। अभी हम चल रहे हैं सीधा ऊपर यहाँ से, ये देखिए दोस्तों ये बाल्टी यहाँ यहाँ से दिख रही है सही, क्लियर बाल्टी, यहाँ से व्यू भी सही है दोस्तों। अब हम जाएंगे इस वाली राइड में, पानी का प्रेशर साथ में लेके आया। दोस्तों तो स्पीड ज्यादा हो गई, पहले तो मैं राजू कैमरा तो ये दोस्तों हमने ग्रीन वाली भी ले ली, येलो वाली भी ले ली और हमने ब्लू वाली भी ले ली, आपने देख लिया होगा। और ये देखो दोस्तों ये वाओ, ये बाल्टी बिल्कुल भर के गिर चुकी है अभी, ये अभी भी घूम रही है। और ये मैं
दोस्तों यहाँ पे ये बाल्टी अवेलेबल है जिसको पानी पीना हो। एक गई नहीं, चलो ये भर के अपने आप ही हो अपने आप ही घूमने जा रही है। तो अरे भरेगी अपने ये ना हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पीछे ही है, बैक साइड में ये मेट्रो स्टेशन के। और कभी भी आप आओ ना तो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे आना, और आगे से ना रोड है, रोड जाएगी, घूम घाम के आ सकते हो आप। दोस्तों अब हम वेव पूल में आ गए। दोस्तों ये वेव पूल है, वेव पूल हमने घूम लिया, और दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों सबसे लास्ट में ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये भी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी चलता होगा, वो बच्चों के लिए है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बंद है। और इधर तो लेजी रिवर है, और अब हम यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब डायरेक्ट आपको कपड़े चेंज करने के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अब फिर हम दोस्तों अभी हमने पूरा कवर कर लिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, हमें कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये हम बिल्कुल आउट आ चुके हैं, क्राउड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।